नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। राजसमंद जिले में पेयजल लिहाज से सबसे बड़ा जल स्रोत एवं टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट बन चुके बागेरी बांध आखिर सोमवार रात को छलक गया। हालांकि सोमवार अपरांत 3 बजे से ही हवा के झोंके के साथ पानी की धार बहने लगी थी। 32.80 फीट बराव क्षमता वाले बागेरी बांध के छलकने के साथ ही सोमवार से ही बड़ी तादाद में लोग बागेरी बांध पहुंचने लग गए। देर रात को बांध छलकने के बाद अल सुबह से आसपास के गांवों के लोग मौके पर पहुंच गए और बांध छलकते हुए देखा। हालांकि अभी बनास नदी में पानी की आवक कम होने से बागेरी बांध की पाल व रपट पर गंदगी व काई जमी हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों के गिरने का भी खतरा है। इसलिए जल संसाधन विभाग द्वारा आमजन से अपील जारी की गई है कि अभी पानी कम है और काई जमी हुई है, जिसकी वजह से लोगों के गिरने का खतरा है। इसलिए सभी सावधानी बरतें और बेवजह पानी के करीब न जाएं और वहां कहीं फिसलन बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों के गिरकर चोटिल होने का खतरा है। अध्यापक पात्रता परीक्षा में अनियमितताओं के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा जिले भर में उपखंड स्तर पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए। बाजुमो जिलाध्यक्ष मोहन कुमावत के नेतृत्व में राजसमंद में ज्ञापन दिया गया। इसके अलावा आमेट शहर में नगर अध्यक्ष सुनील गांधी, नेता प्रतिपक्ष रमन कंसारा के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ता उपखंड कार्यालय पहुँचे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठाई। साथ ही रीट को निरस्त करने की भी मांग की गई। इस दौरान विक्रम सिंह चुंडावत, जिला उपाध्यक्ष मंजू सन्नौत, विक्रम सिंह चुंडावत, राजकुमार शर्मा, माधव सिंह पंवार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज आपने जो ये ज्ञापन दिया, इसके संदर्भ में आपको क्या कहना है? राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार द्वारा जो अभी रीट की परीक्षा ली गई, उसमें उन्होंने पेपर लीक करवाया, उसके खिलाफ हमने ये ज्ञापन दिया। राजस्थान में 16 लाख बच्चों ने ये परीक्षा दी, उनके भविष्य के साथ गहलोत सरकार ने खिलवाड़ किया। उन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा के लिए तैयारियां की, परंतु जो निजी स्वार्थ के लिए डोटासरा जी ने और उन लोगों ने पेपर लीक करवाया, ये उन बच्चों के हितों पर कुठाराघात है। भारतीय जनता पार्टी आमेट नगर इसकी घड़ी भर्त्सना करता है एवं आगे महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि इसकी पूरी कड़ी जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। इधर रेलमगरा तहसील मुख्यालय पर भी भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही रीट परीक्षा निरस्त करने और इसकी जाँच सीबीआई से कराने की मांग उठाई गई। इसके लिए युवा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और बाद में उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी मनसुखराम डामोर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में चेतावनी दी कि वे जल्द से जल्द इस परीक्षा को निरस्त करें और इसकी जांच सीबीआई से करवाएं। ये ज्ञापन अभी जो सबसे बड़ी राजस्थान की परीक्षा थी विद्यार्थियों के लिए रीट की, उस रीट की परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र का समय था 10 से 12:30 बजे का, लेकिन सवेरे 8 बजे ही उस पेपर की कॉपियां हमारे शिक्षा मंत्री जी की अनियमितताओं की वजह से सभी जगह लीक हो गई और इससे 8 बजे जिन जिन के पास इस परीक्षा के प्रश्न पत्र पहले से जो क्या प्रश्न आने वाले हैं आ चुके थे, तो उस प्रश्नों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति वालों ने जिन्होंने भी ये कृत्य किया है, तो इस कृत्य में शिक्षा मंत्री जी जवाबदार हैं एवं जिन्होंने भी रीट की परीक्षा में जो पढ़ाई करके मेहनत करी है, 4-4 महीने, 6-6 महीने तक, 12-12 महीने तक से परीक्षा की इंतजार कर रहे थे, उन सभी विद्यार्थियों के साथ बड़ा धोखा हुआ है और अब उसमें इतने से पद हैं जितने तो पेपर लीक हो गए होंगे। तो जिन लोगों ने पेपर के प्रश्न पत्र 2 घंटे पहले देख लिए थे, उनके आंसर देख लिए थे, तो शायद सभी का नंबर उनके ही आएगा। तो इस तरह की अनियमितताओं के चलते भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज रेलमगरा उपखंड कार्यालय पर शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ यह ज्ञापन दिया गया कि शिक्षा मंत्री जी से या तो इस्तीफा मांगा जाए और इस्तीफा ना देने की सूरत में उन्हें अपने पद से बर्खास्त किया जाए। हमने मुख्यमंत्री महोदय के नाम इस तरह का ज्ञापन दिया है। राजसमंद जिले के आमेट पुलिस ने रेबारियों की डाणी क्षेत्र में जंगल में दबिश दी, जहां हथकड़ शराब बनाते हुए कैलाशी देवी भील को गिरफ्तार कर लिया।
साथ ही मौके पर हथकड़ शराब की भट्टियों के साथ 400 लीटर वॉश नष्ट किया गया। साथ ही कैलाशी देवी के कब्जे से 35 लीटर हथकड़ शराब को जब्त करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया है। बताया कि वह हथकड़ शराब बनाकर श्रमिकों को बेचती थी। थाना दस सर्कल में अभी लोकल स्पेशल एड का अभियान चल रहा है। इस दरमियान मुझे सूचना मिली कि एक रेवड़े राणे के पास में माकड़ा का निवासी श्रीमती कैलाश देवी शराब देसी हथगढ़ में अवैध शराब की भट्टी चला रखी है। इस पर हमें सूचना मुख्य सूचना पर हम वहाँ पहुँचे, जैसा भट्टी चलती हुई पकड़ा, उसको पकड़ कर वहाँ 200 लीटर वास्ते बाद मौके पर नष्ट किया। कैलाशी देवी को मौके पर शराब निकालने के बाद संबंध में कोई वैध कागज पूछताछ की उन्होंने कोई व्यक्त नहीं, इसलिए उस कब्जे से 35 लीटर देसी महुए की कच्ची हथकड़ी शराब जब्त कर गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर राजसमंद तहसील के साथ ही जिले भर के तहसील कार्यालयों पर मंगलवार को चौथे दिन भी पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार धरने पर पहुंच गए। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा जो राज्य स्तर पर संगठन व राज्य सरकार के बीच जो वार्ता हुई, उसके बाद मंगलवार सुबह यह हड़ताल को खत्म करने की घोषणा कर दी गई। हड़ताल की वजह से शिविरों में राजस्व महकमे संबंधी कामकाज प्रभावित हो रहे थे। इस दौरान राजसमंद तहसील कार्यालय में तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद भारद्वाज, भू अभिलेख निरीक्षक मणिराम कीचड़, उप पंजीयक सुबोध सिंह चारण, सहायक सदर कानून को नीरज सरावगी, पटवारी जिला संघ अध्यक्ष पंकज पालीवाल, दिनेश चंद्र पालीवाल, सुमन डांगी, देवी सिंह, फतेह सिंह, कमेरदान, दुर्गा शंकर तेली, धनेश महिला, बाबूलाल प्रजापत, लालू राम लोहार, विनोद शर्मा, इम्तियाज मोहम्मद, राजेश रेगर, चंद्रेश व्यास, बुरालाल मीणा, रोहित पालीवाल आदि मौजूद थे। इधर गढ़बोर तहसील कार्यालय में भी तहसीलदार दिनेश आचार्य के नेतृत्व में भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी धरने पर बैठे थे। कानून को संघ जिला उपाध्यक्ष सुनील पालीवाल ने बताया कि इसी मांग पर अड़े हुए थे कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी तब तक धरना जारी रहेगा, लेकिन सरकार ने उनकी मांगें मान ली, इसलिए धरना समाप्त कर दिया है। इस दौरान गढ़बोर तहसीलदार दिनेश आचार्य, भू अभिलेख निरीक्षक नाथू मोहम्मद, महेंद्र सिंह, राकेश कुमार, पटवार संघ अध्यक्ष सचिन प्रजापत, सुखविंदर सिंह आदि मौजूद थे। नाथू द्वारा तहसील कार्यालय में भी पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार धरने पर बैठे रहे और उसके बाद राज्य स्तर पर वार्ता के बाद धरने को समाप्त कर दिया। इस दौरान राज्य स्तर पर संगठनों के पदाधिकारियों की सरकार से विशेष वार्ता हुई और सुबह वार्ता में सफल निर्णय के बाद हड़ताल को खत्म कर दिया। कानून को संघ जिलाध्यक्ष जगदीश पुरोहित ने बताया कि सरकार द्वारा जल्द समाधान का आश्वासन दिए जाने पर हड़ताल खत्म की गई है। कोठारिया के पास उलपुरा गांव में तलवर सिंह चौहान की कार के बोनट में अजगर घुस गया। सूचना पर पिपरड़ा से वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत, टीम मेंबर विकास खांडेला, अनिल गहलोत के साथ मौके पर पहुंच गए, फिर अजगर को रेस्क्यू कर पकड़ लिया। उसे बाद में जंगल में छोड़ा गया। इस दौरान सुरेंद्र सिंह, शेर सिंह, मंगल सिंह चौहान, तकत सिंह, भूपेंद्र सिंह आदि मौजूद थे। रेस्क्यू में करीब इन्हें 2.5 घंटे लग गए क्योंकि वो बोनट के अंदर घुस गया था कार की, जिसे निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन गहलोत है और मैं राजसमंद जिले से हूं और मैं टीम मेंबर विकास खांडेला इस वक्त मेरे साथ में है। जैसा कि उलपुरा के ग्रामीणों ने बताया कि अजगर मछलियों के जाल में फंस चुका था, तो उन्होंने जाल को काटा तो जैसे अजगर छूटा तो वहाँ पे खड़ी कार के अंदर नीचे से घुस गया था वो अजगर। तो उन्होंने फिर हमको फोन किया तो हम गए वहाँ पे, तो हमने वहाँ पे जाके देखा, बोनेट खोल के देखा तो वहाँ पे अजगर बोनेट के अंदर थोड़ा फंसा हुआ था। तो हमको लगभग 2.5 घंटे लगे क्योंकि बैटरी भी खोलनी पड़ी उसके लिए और काफ़ी अंदर इंजन के अंदर काफ़ी ऐसा तारों के बीच में ऐसा फंसा हुआ था अजगर को कि हम उसको ज़्यादा खींच नहीं सकते थे, इसलिए उसको सेफली से हमने रेस्क्यू किया और उसको हमने बोरे में बंद कर दिया है। इसी तरह कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के कालिंजर ग्राम पंचायत के बड़गुला गांव में नाहर सिंह के मकान में सांप घुस गया। सूचना पर वन्यजीव प्रेमी पन्नालाल कुमावत, कुलदीप सिंह व देवी सिंह मौके पर पहुंचे। उसके बाद कोठी व घर का कुछ सामान इधर उधर हटाने के बाद रेस्क्यू शुरू किया गया और करीब 1.5 घंटे के प्रयास के बाद उसे पकड़ लिया और बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय के द्वार पर नर्सिंग छात्र नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। मुख्य द्वार पर धरना देने से न तो कार्मिक व अधिकारी दफ्तर से बाहर निकल पाए और न ही अंदर जा पाए।
नर्सिंग छात्र संगठन जिलाध्यक्ष प्रशांत त्रिपाठी के नेतृत्व में नर्सिंग छात्र सुबह चिकित्सा कार्यालय पहुंच गए और यहां विरोध प्रदर्शन किया, चिकित्सा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नर्सिंग छात्रों का कहना है कि 6 माह पहले विभाग द्वारा भर्ती की गई और उनका चयन भी कर लिया, लेकिन अब तक नियुक्तियां नहीं दी गई हैं और अब टालम टोल की प्रवृत्ति अपनाई जा रही है। नर्सिंग छात्रों ने चेतावनी दी कि जल्द ही नियुक्तियां नहीं दी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। हम यहाँ पे कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती के लिए के मांग को कर रहे हैं। ये सर भर्ती 6 महीने पहले निकाली गई थी, लगभग राजस्थान के सभी जिलों में इस भर्ती को पूरा कर लिया गया है और सिर्फ राजसमंद जिले एक ऐसा बचा है जिसमें भर्ती को पूरा नहीं किया गया है। हमने इसके लिए बहुत बार धरना प्रदर्शन, कलेक्टर साहब सी पी जोशी और जिला प्रमुख, राजसमंद के लगभग सभी बड़े अधिकारी को हमने ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अभी तक पदस्थापना नहीं हुई है हमारी। डॉक्यूमेंट हमारे सब जमा हो गए हैं लेकिन अभी तक इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है। CMHO सर कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं, इसके लिए हमने बहुत बार धरना प्रदर्शन भी किया है और इसीलिए आज धरना प्रदर्शन रखा गया है। जब तक हमारी लिस्ट जारी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जी ये सिर्फ आश्वासन देते हैं कि 5 दिन में हो जाएगी, 10 दिन में हो जाएगी, ऐसे करते 6 महीने हो गए इस बात को और 6 महीने में अभी तक हमें पोस्टिंग नहीं मिली है सर। राजस्थान सरकार ने 25,000 पोस्टों पर CHA की वैकेंसी निकाली गई है, सारे जिलों में ये पूरी हो चुकी है, राजसमंद जिले में ये लिस्ट पूरी नहीं की गई है, तो हम ये चाहते हैं कि ये हमारी पोस्टिंग ऑर्डर जारी करें CMHO सर। लगातार आश्वासन देते हैं कि 5 दिन में निकलेगी, 10 दिन में निकलेगी, बस यही हमको गुमराह किया जाता है हर बार। आपने मतलब चिकित्सा मंत्री को अपनी बात पूछ रही है? हाँ, विधानसभा अध्यक्ष को भी हमने ये बात पहुंचा दी गई है। हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी पोस्टिंग ऑर्डर जारी नहीं किए जाएंगे, भूख हड़ताल की जाएगी। हम हमारे छोटे बच्चों को छोड़ के आए हैं तो CMHO सर हमारे ये चीज देखनी चाहिए। लोक अधिकार मंच की जिला बैठक नवप्रभात स्कूल MD में प्रदेशाध्यक्ष संपत लड्डा व संभागीय अध्यक्ष फतेहलाल गुजर के सानिध्य में हुई। बैठक में शहर देहात की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई जिसमें क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रति असंतोष जताया। बताया कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा लाखों रुपए का निवेश कर वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है, उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से सहकारिता विभाग में कई बार शिकायतें भी कर चुके हैं लेकिन विभाग व सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जल्द ही समाधान नहीं होने पर मंच द्वारा उग्र आंदोलन का निर्णय लिया गया। इस दौरान तहसील अध्यक्ष जगदीश कुमावत, उप सरपंच मांगीलाल कुमावत, तेरापंथ समाज अध्यक्ष चंद्रप्रकाश प्रगारिया, शंभुलाल दसूरा, रामचंद्र पालीवाल, जगदीश स्वर्णकार, देवगढ़ नगर अध्यक्ष शीला पोखरना, भरत कुमावत, जगदीश कीर, पप्पूलाल कीर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली समस्या तो यह है कि सहकारी उपभोक्ता कौन सी सहकारी समितियां जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं, जिनके अलग अलग नाम जैसे संजीवनी समझ लो, आदर समझ लो, और कई तरह की ऐसी सोसाइटियाँ जो है अपने यहाँ प्रसारित हुई और लंबे चौड़े मतलब उन्होंने पैसा खूब कमाया बटोरा, और उनकी शिकायत आई कि इस तरह से हमारा पैसा लाखों करोड़ रुपये जो है इन लोगों ने जमा कर दिया और उसके बाद ये सोसाइटियाँ जो है हिसाब भी नहीं दे रही, बंद हो गई है, तो वो पैसा हमें कैसे मिलेगा? इसकी सरकार पे भी, सरकार को भी हमने कई बार शिकायतें की मगर सरकार भी इस बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही है, और इस तरह से सोसाइटी अभी तो बंद है मगर ये पैसा बटोर करके अपने रिश्तेदारों को बांट दिए हैं, और इसके लिए मतलब हमने जिला कलेक्टर प्रशासन को और शासन को दोनों को अवगत कराया, फिर भी न जाने ऐसा क्यों हो रहा है, या तो इसमें बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ है, उनके ऊपर बर्दस्त है, इस वजह से नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार दोनों इसके दोषी हैं, मैं तो ये मानता हूँ। जब तक इन लोगों का, गरीबों का पैसा जो बटोरा गया ज़्यादा ब्याज दे करके, प्रलोभन में दे करके उनको लिया गया, उसका पैसा वापस जो है इनको दिलाने की मतलब जो है कोशिश करना है। वैसे जयवर्धन न्यूज जो है आपकी बहुत ही अच्छी प्रचलित है और लोगों में काफ़ी विश्वास है आप लोगों का, वास्तव में आप जो देंगे तो आम जनता में एक जागरण होगा और उस जागरण से क्या होगा, सभी डिमांड करेंगे, तो एक इकोनॉमिक्स में एक रूल है, डिमांड एंड सप्लाई एक रूल से, तो मांग नहीं करोगे और बैठे रहोगे चुपचाप तो वो पैसा आपका मिलने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं जितने भी
इस जयवर्धन न्यूज को सुनने वाले हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि लोक अधिकार मंच के माध्यम से हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, मगर आपका जागरण होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा आपने बहुत सा इन्वेस्ट कर दिया, बहुत से पेंशनरों ने मतलब इसमें पैसा लगा दिया, किसी ने मुझे कहा मैंने 7 लाख जमा करे दिए, किसी ने 13 लाख जमा करे दिए, ऐसी परिस्थिति में इन लोगों को जो है पूरा का पूरा पैसा इनमें डूब गया है। इन सब सोसाइटियों में प्रदेशाध्यक्ष संपत जी लड्डा जो एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि त्रिपाठी साहब जागरण करिए जनता को, और मेरे पास जो आएंगे उन राजस्थान सरकार को हम अवगत कराएंगे, अगर नहीं माना तो हम राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे, हाई कोर्ट तक इस केस को ले जा करके जनता का पैसा हम दिलवाएंगे। ये जो प्राइवेट सोसाइटियां थी जिन्होंने पैसा इकट्ठा करके और अधिक ब्याज का लालच दे करके लोगों को ठगा है, उनके केस 2 साल हो गए हैं और सहकारी समिति में उसकी पेशियां भी हुई है, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई न तो गवर्नमेंट की तरफ से हुई है, न कोई अखबारों में उसका आश्वासन आया है। ये लोक अधिकार मंच के लिए जो लोगों ने शिकायत की है, और हम अब चाह रहे हैं कि जिन जिन लोगों के जो पीड़ित हैं उनकी एप्लीकेशन हम लेंगे और उन एप्लीकेशन से उनको जोड़ करके और उनकी प्रार्थनाओं पर, उनके निवेदन पर उन पीड़ितों को हम सहायता करने के लिए कोर्ट में जाएंगे, और इससे गवर्नमेंट को सचेत होना चाहिए कि वो गरीबों का पैसा है और इस तरह से पैसा नहीं लौटाया तो ये एक क्रांति होगी, और ये राजसमंद जिले में नहीं पूरे राजस्थान में क्रांति होगी। श्रीमान से निवेदन है कि उपभोक्ता जो केंद्र है राजसमंद में, उसका मैं और हमारे कम से कम 200-300 मेंबर हैं, जिसे कम से कम 20 साल हो गए हैं, 20-25 साल हो गए हैं, वहाँ से वो उपभोक्ता चल रहा है, दवाएं लोग ले रहे हैं, कमाई भी हो रही है, लेकिन हमको उसमें से कुछ मिलता नहीं है, और नहीं हमारे को कोई सूचना दी जाती है कि आप इतना पैसा है, और कभी जब आता है तो 5 रुपये 15 रुपये हमको देते हैं खाली, ये बेवकूफ़ बनाने की बात है। कृपया इसका जांच होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कितना पैसा आया, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। जब उपभोक्ता में हम दवाएं लेने जाते हैं तो उपभोक्ता के यहाँ से दवाई की पूरा पैसा गवर्नमेंट से लिया जाता है, और जब बाजार से दवाई लो तो आपको 10% 15% का लेस मिलता है, तो ये पैसा जो बचता है वो उपभोक्ता को, हमने जो पैसा जमा करा हमको तो नहीं मिल रहा है, और ये आपस में मिल के बांट के खा रहे हैं, इसके लिए मुझे बड़ा दुख है, इसके लिए हमें हमारे सभी साथी बड़े परेशान हैं। राजसमंद जिले के रेलमगरा तहसील क्षेत्र के गवारडी गांव में शिकारी ही शिकार बन गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गवारडी के पीछे विद्युत ट्रांसफार्मर पर लटकते मृत सर्प को खाने के लिए पैंथर लपका तो करंट के स्पर्श करने और करंट के झटके की वजह से वह नीचे धड़ाम से गिर पड़ा। इससे करंट लगने की वजह से उसका एक पूर्ण पैर टूट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इससे विद्युत लाइन फॉल्ट होने से विद्युत आपूर्ति भी पूरे गांव में बंद हो गई। बाद में अजमेर विद्युत वितरण निगम के लाइनमैन ट्रांसफार्मर के पास पहुंचा तो ट्रांसफार्मर के नीचे मृत पैंथर का शव पड़ा मिला। सूचना पर गवारडी सरपंच बाबूलाल सोनी के साथ ही बड़ी तादाद में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। बाद में सूचना पर नाथद्वारा से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर के शव को लेकर नाथद्वारा ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। देवगढ़ शहर में स्थित श्री कृष्णा बाल चिकित्सालय एवं आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के तत्वावधान में कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवगढ़ में 0 से 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को स्वर्ण प्राशन की दवा पिलाई गई। आयुर्वेद विभाग के चिकित्सक डॉक्टर नरेश तिवारी, डॉक्टर सुबेदार यादव, बाल चिकित्सक डॉक्टर सत्यप्रकाश त्यागी द्वारा बच्चों की सेहत की जांच करते हुए उन्हें दवाई पिलाई गई। इस कार्य में सेवानिवृत्त शिक्षक लीलाधर पानेरी, आदित्य बिरला सनलाइफ के विकास अधिकारी योगेश कुमार शर्मा ने भी सहयोग प्रदान किया। विद्यालय के संस्था प्रधान राजेंद्र सिंह सक्तावत ने प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान शिविर में 450 बच्चों को स्वर्ण प्राशन की दवा पिलाई गई। अब 29 अक्टूबर को फिर यह विशेष शिविर आयोजित होगा, जिसमें स्वर्ण प्राशन की खुराक बच्चों को पिलाई जाएगी। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़।